हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक में अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि फेसबुक में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करते हैं। तो ये रहा हमारे पास फेसबुक ऐप, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है और आपको यहाँ पे फेसबुक में देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फेसबुक में आपको मिलेगा 3 लाइन। आप अच्छे से देखें, यहाँ पे 3 लाइन मिल जाएंगे आपको फेसबुक में। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे प्रोफाइल का यहाँ पे सी योर प्रोफाइल लिखा हुआ मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल जो नाम रहेगा उसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर चुके हैं और यहाँ पे आपको नीचे में नाम शो करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा ऐड टू हिस्ट्री, उसके बाद व्यू एज और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल और मोर। तो आपको आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल के ऊपर। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऊपर में लिख कर आ जाएगा और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल रहेगा ऊपर में आपको यहाँ पे, और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एडिट योर अबाउट इन्फो, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप अपना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करना, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको मिलेगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 1900। तो यहाँ पे मैं बर्थडे चेंज करना चाहता हूँ, तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक इस तरह से करना है। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे ये एडिट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बर्थडे रहेगा, यहाँ पे मार्च, यहाँ पे तारीख आपको, और यहाँ पे ये बर्थ ईयर्स साल कौन सा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना महीना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अप्रैल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको सब दूसरे नंबर पे आपको तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी तारीख है वो आप अच्छे से अपने आई कार्ड में देख कर आईडी कार्ड में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको साल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अच्छे से साल को देखिए और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे अच्छे से डाल लीजिएगा। तो ये अगर आप यहाँ पर महीने और यहाँ पर तारीख और यहाँ पर साल, ये सक्सेसफुली होने के बाद अगर आप चाहते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं दिखाना तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको पब्लिक रहेगा, फ्रेंड रहेगा और यहाँ पे ओनली मी। तो अगर आप पब्लिक के ऊपर कर देते हैं तो आपका दो डेट ऑफ बर्थडे वो सारे लोग देख सकते हैं, और फ्रेंड के ऊपर करते हैं तो सिर्फ आपका दोस्त लोग वो आपका बर्थडे देख लेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं दिखाना तो यहाँ पे ओनली मी रहेगा, तो सिंपली आप इसको ओनली मी के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं देखेगा, ये लॉक लग चुका है। अब इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पर नीचे जिससे आप आ जाएंगे यहाँ पर आपका सेव रहेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर सेव कर लेंगे तो ये हो चुका है कंफर्म। यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर एज सेव दिस चेंज। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।